प्रशांत किशोर जी पहले अपने दिमाग से सातियाना चालों से राजनीतिक दलों को मैनेज करते थे और उनको जितवाने और हरवाने का काम किया करते थे, चाहे जो भी वो मैनेज इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे। अब वो पहले वो इस चाल से सेल्फ सर्विस करते थे, मतलब वो मेवा खाने का काम करते थे, उससे अर्थ कमाते थे। अब जो है वो सार्वजनिक जीवन में आ रहे हैं, सार्वजनिक जीवन सेवा का जीवन है। ये जब सार्वजनिक जीवन में आ पाएंगे तो इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिहार के जनता के बीच में जाना पड़ेगा। अभी आप नेताओं के बीच में रहे हैं, आप जो है सियासी लोगों के बीच में रहे हैं, अब आपको जनता में जाना पड़ेगा, डायरेक्ट उस गरीब के यहाँ जाना पड़ेगा जिसके घर में चूल्हा जरता है एक साल मेहनत के बाद। तो आपको उनके साथ काम करना है और आपको अभी कोई पहचानता बिहार में नहीं है, बड़े नेताओं में आपका नाम है, आप गरीब गुरबा आपको पहचानते नहीं है कि आप कौन है, उनको पता नहीं है कि इवेंट मैनेजमेंट होता क्या है। तो उनके बीच में जाना है। आप तो सदा बिहार में रहे नहीं, आप तो चेन्नई और काठमांडू और कलकत्ता रहे और इवेंट मैनेजमेंट करते रहे। अब आपको बिहार के गांव गांव गली गली में जाना पड़ेगा और जनता में अपना पहले पहचान दिखाना पड़ेगा कि मैं ही प्रशांत किशोर हूं। आपको सेवा करना पड़ेगा। बिहार की जनता सबसे राजनैतिक जनता है, यह देश की नीति और गति तय करता है। फर्क पड़ गया कि नहीं बीजेपी को यहाँ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले प्रशांत किशोर जी को जनता में अपना चेहरा पहचान कराना है कि मैं ही प्रशांत किशोर हूँ। फर्क पड़ने का भी बात नहीं है, पहले उनको अपने जनता में फर्क दिखाना होगा कि अभी पहले मैं कमाता था, माने मेवा खाता था, अब मैं सेवा करने आया हूँ। पहले सेवा करके तो दिखाएंगे कैसे हम पब्लिक को सेवा करेंगे और उनके लिए काम करेंगे। देखिये, प्रशांत किशोर जी की राजनीति में आने से बिहार की सियासत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देशन पे जिस तरीके से युवा राजनीति की तरफ सक्रिय हो रहे हैं, ये स्वागत योग्य कदम है और तमाम व्यक्ति को अपनी राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। लेकिन फिर भी जिस मुद्दों के साथ प्रशांत किशोर जी अगर युवाओं की बातचीत करते हैं, बेरोजगारी की बातचीत करते हैं, विकास की बातचीत करते हैं, तो हमें लगता है ऐसे लोगों का राजनीति में स्वागत किया जाना चाहिए। बिहार की जनता जानना चाहती है कि क्या आपका आईपैक और आपकी कंपनी का आज भी नीतीश कुमार जी के साथ समझौता है, क्योंकि आपने हमेशा बिहार में नीतीश कुमार के साथ काम किया है और नीतीश कुमार जी के पार्टी जनता दल यू से आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और जब आपको जनता दल यू से निष्कासित किया जा रहा था तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बात लोगों के सामने लाने का काम किया था कि मैं प्रशांत किशोर जी को अमित शाह के कहने पर जनता दल यू में शामिल किया और उसके बाद आपने आज तक उस मामले पर लोगों के बीच आकर के बताने का काम नहीं किया कि आपका अमित शाह से नीतीश कुमार से किस तरह का समझौता रहा है, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है और गंभीर विषय है। आप जिस जन सुराज की बात कर रहे हैं, आप जन सरकार के मामले में कभी भी जनता के बीच नहीं गए और आपने सोशल मीडिया के माध्यम से और ट्विटर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने आप को स्थापित किया है, लेकिन जनता के बीच में जनता के हितों के लिए या जनता की आवाज आप कभी भी नहीं बने। हाँ, आपकी कंपनी व्यवसायिक तरीके से किसी ना किसी पार्टी के लिए कार्य करती रही है, लेकिन व्यवसायिक हितों से राजनीतिक हित साधना अलग बात है और जन सरकार के मुद्दे पर जुड़ करके जनता के बीच जाना अलग बात है। जन सुराज से पहले आपको नीतीश राज के संबंध में स्पष्टीकरण देना होगा।